Hi student, I am Kamlesh Chandra. Today we will do the practical. It's a really practical. It's a oxidation reduction titration for your board examination for class 12th. Now what is the object of the today's practical? To determine the strength of a given potassium permanganate solution with the help of M/20 ferrous ammonium sulfate, also called the Mohr salt. Okay, in Hindi, M/20 FAS का मानक विलयन बनाइए. इसकी सहायता से दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता तथा शक्ति स्ट्रेंथ ज्ञात कीजिए. तो ये प्रैक्टिकल ट्राइटेशन कहलाता है. और कैसे ये ट्राइटेशन करते हैं ये हम आपको करके भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है ना. अब क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिए, तो रिक्वायर्ड एपरेटस आप नोट कर लीजिए. कि तो मोहर सॉल्ट चाहिए, फिर अमोनियम सल्फेट, दूसरा क्या चाहिए, KMnO4. KMnO4 अननोन होगा आपके लिए, ये होगा नोन. ठीक है, ये होगा नोन और ये आपके लिए होगा अननोन. ठीक है जी. अभी नॉन क्यों है, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल आपको पता है M/20, इसलिए ये नॉन है, ये अननोन है. और एसिडिफाइड करने के लिए 1 MH2O4 एंड 5 MH2O4 केमिकल बैलेंस, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हो जाता है, तो पीपेट, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास, मेजिंग फ्लास, फनल एटसेट्रा, ये सब आपको सामान इसमें चाहिए. व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इन दिस ट्राइटेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन ट्राइटेशन, मीन्स द रिडॉक्स रिएक्शन. इन दिस ट्राइटेशन मोहर सॉल्ट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, FAS फेरस अमोनियम सल्फेट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्सो एक्ट एज एन सल्फ इंडिकेटर. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. अब व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, इट्स मीन्स देयर इज टू पार्ट्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, 2 KMnO4 प्लस 3 H2O4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3 H2O एंड 5 mmol ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. दिस हाफ ऑक्सीजन, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन. Now half oxidation reaction, what happened, ferrous ammonium sulfate acidified and react with the nascent oxidation, gives the Fe2SO4 whole thrice plus ammonium sulfate plus water molecules, 13 molecules of water. You will multiply by 5 because the 5 will be there, then it will be final reaction will become. And for the final reaction, is 2 KMnO4 plus 10 times Fe2SO4 NS4 whole square SO4 dot 6S2. ये किसका formula है? ये formula है FAS का, ferrous ammonium sulfate का, Mohr salt का ये formula है, plus 8H2SO4 implies 2, K2SO4 plus manganese sulfate 2 moles, then 5 moles of Fe2SO4 whole thrice, प्लस 10 मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड 68 मोल्स ऑफ वाटर. नोट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस, द ट्राइटेशन इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन. सो व्हेन FAS सॉल्यूशन ट्राइटेड अगेंस्ट KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर द एसिडिक मीडियम, द सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिवेंट the precipitations of MnO2. अब इसमें प्रश्न उठता है ना, इसमें H2SO4 क्यों डालते हैं, है ना. तो H2SO4 डालने का रीजन ये दिया है कि H2SO4 अगर नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, MnO2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा. ठीक है ना. उसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, H2SO4 यूज करना पड़ता है. ठीक है. तो अब इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, है ना. ये प्रैक्टिकल करके हम जब देखेंगे तो उसको हम उसमें बताएंगे. तो इसके बाद जो है नेक्स्ट, जैसा मैंने पहले कहा KMnO4 एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर. ठीक है. अब व्हाट इज द, व्हाट विल बी द एंड पॉइंट, ये प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कैसा होता है एंड पॉइंट. तो ये
कलरलेस टू लाइट पिंक बट शुड बी परमानेंट। जब इसको सेक वेल करते हैं उसके बाद अगर परमानेंट रह गया लाइट पिंक तो वो कहलाएगा एंड पॉइंट, मीन्स स्टेटस इज कंप्लीटेड। तो इसके बाद क्या है, अब प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, ठीक है। अब लैब में गए तो आपको क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है जी। इसकी आपको मोलिटी बताई हुई है m बाई 20 मोलिटी बताई गई है। तो m बाई 20 के लिए आप क्या निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे, वेट इज इक्वल टू डिनोटेड बाय द डब्ल्यू। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फाइंडिंग द वेट ऑफ द FAS सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ FAS इनटू मोलर मास ऑफ FAS और वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000, ओके। तो मोलरिटी ऑफ FAS इनटू मोलर मास ऑफ FAS इनटू वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग सिलेंडर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलरिटी, 1/20। मोलर मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट 392, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, इनटू 250। ये भी 250 क्या है, हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर तो वो कितने का है, हम 250 वॉल्यूम का है, तो इसलिए हम क्या लिखा यहाँ पे हमने 250। यदि 500 ml का होगा तो आप 500 ml यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 1000। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 4.9 ग्राम हो जाएगा। तो अब आप इसका मतलब आपको 4.9 ग्राम क्या लेना है, फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है। तो अब इसमें एक एनालिटिकल केमिकल बैलेंस होता है, आजकल तो डिजिटल है, तो ये दोनों में ले सकते हैं। यदि आप एनालिटिकल में करते हैं तो वहाँ पे 2 ग्राम का एक वेट रखना पड़ेगा और 2 ग्राम का दूसरा वेट, ये हो गया इस तरह के लिए। अब मिलीग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 500 मिलीग्राम का एक वेट, अब बचा 400 मिलीग्राम, तो 200 मिलीग्राम का एक वेट और दूसरा वाला 200 मिलीग्राम का दूसरा वेट। तो ये आपको एनालिटिकल बैलेंस में करने को ये लेना पड़ेगा, लेकिन हम आपको किस में करके दिखाएंगे, इस समय हम आपको डिजिटल में करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास W है, अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है, हाउ टू मेक द m by 20 ऑफ 250 ml सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, वो आपको वीडियो में बना के दिखाया गया है, यानी प्रिकॉशंस क्या लेनी होती हैं। प्रिकॉशंस क्या है, एक तो एक्यूरेसी ऑफ दिस 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट, दूसरा क्या होगा, मेजरिंग सिलेंडर क्या होना चाहिए, वाटर से पहले इसको साफ कर लेंगे। तो उसके बाद क्या है, किस तरीके से इसमें डालते हैं, पहले आपको 4.9 ग्राम किस में डालना पड़ेगा, मेजरिंग सिलेंडर में डालना पड़ेगा। मेजरिंग सिलेंडर में डालने के बाद आप थोड़ा सा क्या डालेंगे, वाटर, फिर उसमें डालेंगे अप्रोक्स 3/4 टेस्ट ट्यूब ऑफ 5 ml। तो वो आप डाल के फिर सेक करेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस आपको वहां पे दिखा दूंगा। तो उसके बाद जो फाइनल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको बता देते हैं। तो अब क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, 392 क्या है, मोलर मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, 250 इज द वॉल्यूम ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, एंड बाकी प्रोसीजर क्या लिखा है वीडियो में, वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक चार्ट बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ FAS, ब्यूरेट की रीडिंग, ब्यूरेट में क्या फिलअप होता है, KMnO4 है, ब्यूरेट में क्या फिलअप होगा, KMnO4, और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, आपको ये रीडिंग नोट करनी है, ठीक। अब ये वॉल्यूम ऑफ जो FAS है ये किसकी सहायता से लोगे आप, ये आप लोगे पिपेट की सहायता से, इसके सहायता से, पिपेट की सहायता से। तो मैंने 20 ml का यूज किया है पिपेट, यदि आपके लैब में अगर 25 ml का पिपेट होगा तो आप उसको 25 ml यहाँ पे लिखेंगे। अब ये क्या है, ब्यूरेट की जो रीडिंग होती है, हमारे पास 50 ml का ब्यूरेट है, ठीक है।
तो हम उसको पहले कैसे अरेंज करते हैं ये हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो स्टार्टिंग जो इनिशियल होगा जीरो और फाइनल जो हमारा पहला रीडिंग आया वो आया अप्रोक्स 21। डार्क हो गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने किया तो डार्क हो गया। तो अब क्या है, इसका मतलब जो रीडिंग है वो 21 से पहले आएगी, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल गया। तो फर्स्ट रीडिंग क्या है, नॉट एक्यूरेट रीडिंग। अब उसके बाद फिर से रीप्रोसेस, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस। अब रीप्रोसेस क्या होगा, फिर से आप 20 ml क्या लेंगे, फिर अमोनियम सल्फेट लेंगे, फिर उसको एसिडिफाई करेंगे, फिर से KNO4 के साथ टाइटेशन किया, तो माना रीडिंग कितना आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस, और आपकी रीडिंग 14.9 पाई थी, तो रीडिंग आपकी जो फाइनल आई वो 19.9 ml आई। अब उसके बाद टू रीडिंग जो कंजर्वेटिव रीडिंग शुड बी सेम, प्रैक्टिकल हमारा फाइनलाइज था कि वो जब 19.9 ml और 19.9 ml कंजर्वेटिव सेम आएगा तो फिर से हम उसको थर्ड टाइम ट्राई करेंगे, ठीक। अब की क्या है, 41.9 है, इसके बाद अगली रीडिंग ली जा सकती है, आप भी फिर से फिलअप करेंगे, फिर से क्या हो गया जीरो से। अब यह है सेम वैल्यू, पहले जितनी वैल्यू आई थी 19.9, सेकेंड वैल्यू भी 19.9, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया, VKMNO4 की जो फाइनल वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू इज 19.9 ml, ये हमको नोट करके रखना है, ठीक। अब उसके बाद कैसे कैलकुलेशन होगी, ये इसका फॉर्मूला है, MKMNO4 इज इक्वल टू 2/10, MFS मीन्स मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, V इज इक्वल टू कॉल वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ KMNO4। अब 2 मोल्स ऑफ KMNO4 ने कितने मोल्स, 10 मोल्स को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो इसलिए इसको 2/10 हमने लिया फॉर्मूले में, और इसको कट कर लिया तो ये क्या हो गया 1/5। अब देखिए हमारा जो मोलरिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट जो हमें ऑब्जेक्ट में दी थी वो कितनी दी थी, 1/20, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट जो हमने पीपेट के द्वारा लिया था, ये किसके द्वारा लिया था, पीपेट के द्वारा लिया था, तो ये कितने का पीपेट था हमारा, 20 ml का था, ये भी आपको नोन है वैल्यू। अब जो आपसे अभी जस्ट रीडिंग आई है ना, ये कितनी है फाइनल रीडिंग, 19.9, तो 19.9 ml आपका क्या हो गया, VKMNO4 वॉल्यूम ऑफ KMNO4, तो फाइनल आप जब करेंगे मोलरिटी ऑफ KMNO4 क्या आ जाएगा, 0.01, ठीक है जी। अब ये मोलरिटी आ गई, तो इसके बाद हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, ऑब्जेक्ट दो थे, फर्स्ट वन इज मोलरिटी और सेकेंड वन स्ट्रेंथ ऑफ द KMNO4, तो स्ट्रेंथ ऑफ द KMNO4 आप कैसे निकालेंगे, मोलरिटी को आप मोलर मास से गुणा कर देंगे, किसकी मोलरिटी निकालनी है, KMNO4 की निकालनी है, तो मोलर मास भी किसका लेंगे आप, KMNO4 का लेंगे, वो आपको पहले से लर्न है, 158 होता है, मोलरिटी ऑफ KMNO4 0.01, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आंसर, 1.5 g/l, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप पहले यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे, प्रैक्टिकल लिखने का तरीका ये होता है कि आपके रिजल्ट लिखेंगे, मोलरिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ KMNO4 इज इक्वल टू 0.01 एंड फाइनल सेकंड क्या होगा लिखेंगे रिजल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ KMNO4 इज 1.58 g/l, ये आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रीकॉशंस लिखना होता है, प्रीकॉशंस क्या क्या लेनी होती है वो एट द टाइम ऑफ जो आप जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको प्रीकॉशंस देखने को मिलेंगी, और वो प्रीकॉशंस आपको करनी भी है। तो ये फाइनल इसका रिजल्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का जो रिजल्ट है आ गया, इसका मतलब प्रैक्टिकल हो गया। तो होप आई थिंक इट विल बी हेल्प टू डू द प्रैक्टिकल, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट द टाइटेशन, दिस वन इज वेइंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, यू विल वे 4.9 g ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट विद स्पैटुला, 4.9 g, इट्स अ डिजिटल, you can also be in an analytical valence, it's also 4-digit 4-decimal point machine. Now
it's 4.90 gram. It's fluctuate. Now अब इसको measuring flask में funnel की सहायता से लौट देंगे. ठीक है, अब इसमें 5.1 H2SO4 ये डाल दिया. अब सेक होगा इसका. ठीक है, सेकिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट. हाँ, इसको सेक करते रहिए जब तक इसके FAS के एक भी पार्टिकल हो विजिबल है, आराम से दिख जाता है. ठीक है, अब इसको 250 मार्क तक वाटर डाल लीजिए. मार्किंग इसमें उतना दिख नहीं पा रही होगी, आपको 250 का एक मार्क लगा है, तो बाकी जो थोड़ा सा रह गया है उसको ड्रॉपर से एक दो ड्रॉप डाल देंगे. ठीक है, तो ये हमारा M/20 FAS स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया. ठीक है, एक ड्रॉप ही कम था, ये डाल दिया, तो अभी हमारा तैयार हो गया है. अब हमें अगला प्रोसेस करना है ब्यूरेट के लिए तैयारी, KMnO4 बनने के लिए. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले वाटर से उसको वॉश कर लेंगे, अब ये KMnO4 से रिंस करेंगे, क्योंकि रिंस ज़रूरी है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ KMnO4, तो हमारा एरर आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा. ये प्रिकॉशंस हैं. ठीक है, KMnO4 से देखिए रिंस कर लिया. अब इसमें KMnO4 हमें फिल करना है. ये अननोन मोलरिटी का है, फनल की सहायता से जितना एक्सेस हो गया वो इसको आप निकाल सकते हैं. मेक 0, ये 0 हो गया, देखिए यहाँ पे, है नहीं? तो अब इसके बाद पीपेट से हमें सक करना है कोनिकल फ्लास्क में. ये सक कर लिया. हाँ, पहले इसको रिंस कर लेंगे. हाँ, पीपेट भी रिंस कर लेंगे, अगर ड्राई हो तो रिंस की आवश्यकता नहीं है, ये गीला था इसलिए रिंस किया. अब ये सक कर लिया. 20 ml का पीपेट है ये, और कोनिकल जो हमारी पहले से ड्राई है उसमें से ये देखिए, ये अप टू मार्क, थोड़ा साइड ऊपर रहना चाहिए मार्क के, ये कोनिकल हमारा पहले से तैयार है, इसमें अब इसे डाल दिया गया है. ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे 1 ml H2SO4. ठीक है, 1 ml H2SO4 डालने के बाद टाइट्रेशन स्टार्ट. देखिए अब MN के जैसे ही नीचे जा रहा है, MN देखे होंगे आपका पिंक कलर आ रहा है, और अब ये लाइट पिंक कलर जब स्टेबल होगा तो वही हमारा एंड पॉइंट होगा. सेकिंग करते रहनी है, सेकिंग बहुत ज़रूरी है ना, एक हैंड से सेक करिए और दूसरे हैंड से. अभी चेक करना पड़ेगा ये स्टेबल है कि नहीं. हाँ, ये देखिए लाइट पिंक कलर स्टेबल हो गया. ठीक है नहीं, ये स्टेबल हो चुका है, तो यही इंड पॉइंट हुआ. तो अब इसकी रीडिंग चेक करनी पड़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना लगा, ये देखिए 19.9, है नहीं? ये हमारी वैसे सेकंड वैल्यू है, इससे पहले वाली थोड़ा 21 आई थी. अगर 19.9 रिपीट हो गया तो हमारा प्रैक्टिकल सक्सेस हो जाएगा. फिर रिफिल किया, फिर सक किया, वही प्रोसेस दोबारा होगा. सक करने के बाद 1 ml H2SO4 फिर डालना होगा कोनिकल में FAS के साथ एसिडिफाई करने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, MnO2 में प्रेसिपिटेस हो जाएगा. तो फिर से सक हो रहा है, सेकेंड थर्ड रीडिंग क्या है, वैसे ये आपको दूसरी दिख रही होगी, ये दिखी. फिर से कोनिकल में वन एम एस टू सपोर्ट डलेगा. ये 1 ml H2SO4 डालने के बाद फिर टाइटेशन स्टार्ट. ठीक है जी, तो अब देखिए फिर एंड पॉइंट होना चाहिए स्टेबल, 19.9 पे आना चाहिए.
तो हमारी दो रीडिंग लगातार सेम होंगी, तो वो प्रैक्टिकल की वैल्यू हमारी सही आएगी। ये देखिए स्टेबल हो गया अलग लाइट पिंक कलर, सेकिंग करते जाइए, अगर डिसअपीयर नहीं हुआ तो ये रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर से इसकी रीडिंग नोट करेंगे, देखिए स्टेबल है, हाँ स्टेबल है निकल। तो अब ये रीडिंग नोट की, देखिए ये भी 19.9, टू कंजुकेटिव रीडिंग्स आर सेम, इट्स मीन्स टाइटर्सन इज सक्सेसफुल एज अकॉर्डिंग टू रीडिंग्स।